हे गाइस, हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो जैसा आपको पता है, वैलेंटाइन डे आ रहा है। सो मैं अपनी कुछ गर्ल्स फ्रेंड के साथ वीडियो बना रहा हूँ, जो जो क्वेश्चन होते हैं जो आपको पूछने होते हैं लड़कियों से कि कैसे वैलेंटाइन आपको मनाना चाहिए। सो मैं ये कुछ Q&A कर रहा हूँ अपनी दोस्त के साथ। तो रेडी हो? हाँ तो पूछते हैं इनसे कुछ क्वेश्चन जो आपको भी मदद करे थोड़े। सो फर्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं इनसे। तो पहला है, डू यू एक्सपेक्ट अस टू ऑलवेज मेक द फर्स्ट मूव? मीन्स सबको यही होता है कि बॉयज ही हमेशा फर्स्ट मूव करे, तो ऐसा हमेशा होता है क्या? ऐसे तो नहीं होता है। अगर लड़की लड़के को बहुत ज्यादा पसंद करती है तो लड़की भी पहला मूव कर देती है, जो पर बहुत इट कम होता डिपेंड्स। है। लड़कियां हाँ भी आजकल अरे करती इट हैं फर्स्ट डिपेंड्स ना कि मूव। आपकी लाइकिंग परसेंटेज कितनी है। अगर आप बहुत ज्यादा लाइक करते हो तो आप उसके लिए फर्स्ट मूव कर देते हो, वो सब चीजें करते हो, अनएक्सपेक्टेड चीजें करते हो। जरूरी नहीं है ना बॉयज ही करें हर पर चीज। आई हैव सीन गर्ल्स जिसने जिन्होंने पहला मूव करा है बॉयज के लिए। इसे फैक्ट, एक से मिथ है जो लोगों ने बना दिया कि लड़के ही पहला मूव करते हैं, लड़कियां भी ही करती ठीक है ठीक है, ओके, मानते हैं। जो हम मान नहीं सकते मानते हैं जो। हैं। तो उसके बाद सबसे पहला होता है कि हम हमें कहाँ जाना चाहिए। वी हैव टू गो। वेयर शुड बी गो? तो हमें या देखो इट डिपेंड्स कि आप क्या करना पसंद करते दोनों के दोनों। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। जैसे कि कुछ लोगों को खाना बहुत पसंद होता है, वो किसी खाने वाली आउटिंग प्लेस पे जा सकते हैं, या किसी को घूमना पसंद होता है, कोई मूवी देखना तो पसंद करता कोई है, मूवी देखना पसंद करता है। तो इट डिपेंड्स, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अब मैं तो किसी खाने वाली जगह पे जाना चाहूंगी क्योंकि मैं भी फूड ही है भाई, कॉफी डेट हूँ, कॉफी। उसके बाद सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा टफ है वो है कि व्हाट्स द प्रॉपर आंसर टू डज दिस ड्रेस मेक्स मी लुक फैट? ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन है, कुछ कुछ भी नहीं बोल सकते तुम तो। क्या आंसर होता है इसका? कह सकते हैं कि हाँ अच्छी लग रही है बस। नहीं, तू क्वेश्चन नहीं समझी। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। वो क्वेश्चन कुछ ऐसा कि इफ लड़कियां पूछती है लड़के से कि क्या मैं मोटी लग रही हूँ उस कपड़े में, तो लड़कियां, और अगर लड़का बोलता है कि अगर लड़का बोलता है हाँ तो लड़की उसको भी फ्रेंड में लेती है, लड़का बोलता है नहीं अच्छी लग रही है तो फिर बोलेंगे इसमें तुम ये बोल सकते हो कि नहीं नहीं यू आर जस्ट थिंकिंग टू मच, ये ड्रेस आपको सूट कर रही है, ऐसा नहीं है कि लुकिंग परफेक्ट सिंपल। ओके, ये अकॉर्डिंग टू मी यू आर लुकिंग वेरी परफेक्ट इन दिस ड्रेस, बट तेरे मन में ख्याल है तो यू हैव टू प्ले विद वर्ड्स। मैनिपुलेटिव करना, मैनिपुलेटिव होना So, can we split the bill? Yes, of course. Yes. झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। According to me, yes. नहीं, mostly girls want ना कि boys ही pay करें तो। नहीं यार, अब हर कोई निब्बी नहीं होता। हाँ। हर कोई समझदार नहीं होता। Is it really that hard to decide where to eat? बस हवा निकल गई। ये तो क्वेश्चन भी पता चल गया कितना मुश्किल है। बहुत टफ है, बहुत टफ है, क्योंकि ये भी हम कुछ नहीं कर सकते। एक प्रॉपर क्यूजीन डिसाइड करना ही आपके लिए बहुत टफ हो जाता है। तो एक स्पेशल जगह की वहाँ का खाना अच्छा होगा, बहुत डाइस हो जाता है ना वो कि आप ये तो कि है। कितना अच्छा खाना मिलेगा, आपका एक्सपीरियंस कैसा होगा। वैसे मैं पहली बार जा रही हूँ किसी के साथ तो। अरे कहना क्या चाहते हो? तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मोस्ट अट्रैक्टिव फीचर ऑफ अ बॉय? आईज। कुछ लोगों पे वो भी सूट करता है, जैसे उनके वे ऑफ वेयरिंग। तो ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन है, व्हाई डू ऑलवेज You always go for bad boys, like cool boys. क्योंकि opposite attract. नमी नमी. So ये question बता दो, कितना time? Why do you take so long to put on makeup? नहीं बस 2 मिनट लेता हूँ। झूठ बोलो। नहीं ये तो झूठ है, ये तो मुझे भी वीडियो बनाते समय भी पता चल गया था कौन कितना टाइम। हेलो, हमने कोई मेकअप इतना नहीं करा, दिख रहा होगा। It's just a touch up. हाँ तो आंसर तो दो। ओनली जब कुछ
ऐसे पार्टी वेयर मेकअप नहीं करो तो जैसे कोई कोई शादी वादी में जाना तो उसमें लगते हैं 15 से 20 मिनट लगते हैं क्योंकि आपको पहली बात तो सबसे ज्यादा टाइम लगता है चीजें ढूंढने में, चीजें ना हमारी ऐसी बिखरी बिखरी पड़ी तो तुमको समेटने में टाइम लगता है, फिर उसको लगाने में टाइम लगता है, एक ही जगह पे बहुत सारी चीजें लगानी होती है। क्या करें लड़के, मुंह धो के चलने लगते हैं। अब देखो ये ना एक फैक्ट है कि लड़के बहुत बॉर्न ब्यूटीफुल होते हैं, लड़कियों को ब्यूटीफुल नहीं होते, हम हैंडसम होते हैं, सुंदर होते हैं, और लड़कियों को अपनी सुंदरता इनहेंस करने के लिए वो एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, तो कर लेते थोड़ा तो मेकअप उनको वो कॉन्फिडेंस दे देता है थोड़ा सा। So, आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन थे। मेरे मन में एक क्वेश्चन है गाइस लड़कों के लिए, जो मैं बीइंग अ गर्ल मैं पूछना चाहूंगी लड़कों से, कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ गर्ल ऑन योर फर्स्ट डेट, ये ये मुझे सोचना भी तो देना चाहिए तुम्हें कि मुझे क्या बोलना चाहिए। इट शुड बी इंस्टेंट, यही कि वो स्प्लिट करे बिल्कुल, ये नहीं कि भाई हां बॉय जी अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू मी, ओके अकॉर्डिंग टू मोस्ट ऑफ द बॉयज, ठीक है ओके, मींस कुछ चाहते हैं कि बॉयज ही पे करे, कुछ बॉयज भी चाहते हैं कि उनकी गर्ल्स पे ना करें, बट स्प्लिट द बिल, ओके सिंपल, दैट्स व्हाई वी डू स्प्लिट द बिल, नहीं ये पे करते हैं मैं कम करता हूँ, नहीं ऐसा नहीं करता ही पे करता। सो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, और ये वीडियो मैं तो मोस्टली बॉयज के लिए ज्यादा फेवर होगी, तो जिसको भी गर्ल्स को देखना होगा वो इसके वीडियो पे देख लेना, मैं लिंक का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा तो उस पे देख लेना, और जिसको भी ऐसे वीडियो और चाहिए तो डू लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू कमेंट कि आपको और कौन से क्वेश्चन पूछने तो मैं आंसर बता दूंगा पूछ के। ओके गाइस थैंक यू।